सबसे पहले मैं सिद्धार्थ कॉलेज को और मेरी पूरी मीडिया को मैं सलूट करता हूँ, और सलूट करता हूँ ऐसे दो इंसान, खास इंसान को जो मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, मेरा जिगरे टुकड़ा है यहाँ, यस का वो नाम मेरे सामने खड़ा है, मंगेश कोना जी और सुनील जी। सुनील जी, मंगेश जी, 2 साल से मुझे बुला रहे हैं, थैंक यू सर, आप बुला रहे हैं सिद्धार्थ कॉलेज में। और यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं सर, माइंड ब्लोइंग सर, ये कॉलेज नंबर 1 है सर मुंबई का। यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी नंबर 1 है सर, बहुत प्यारा स्टूडेंट्स है यहाँ के, बहुत अच्छा कॉलेज है। मैं सही में दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इस कॉलेज को और यहाँ के स्टूडेंट्स को और पूरी तमाम मेरी मीडिया को, और मेरे सबसे शुक्रिया अदा करता हूँ। इनका शो था आज सूरत में जिसका नाम है अंकिता बांबुलकर, एक एक्ट्रेस है, इनका शो था। बोलता कल्याण जी सर मैं शो में मैं आपको बाधा कर दिया, तो शो उन्होंने कैंसिल कर दिया, तो आज आए, थैंक यू मैम आप आए। एंड सर पूछिए कल्याण जी, एज अ एक्टर, एज अ कोरियोग्राफर, एज अ जज, हाँ आज आपने सिद्धार्थ कॉलेज में आए, हाँ, तो जितने परफॉर्मेंस एज अ जज उनके लिए क्या शुभकामना देना चाहेंगे? टैलेंट जो भर कर सामने आई इतिहास, उनको क्या मैसेज है कल्याण जी की तरफ से? जी सर, मैं तो खाली इतनी बोलता हूँ, जो पाकिस्तान को एक बार सुनना चाहिए हमारे इंडिया, मतलब इंडिया की बातें क्या होता है वो, ये जो इंडिया है ना सर, इंडिया ये यहाँ है। तो मैं खाली इतनी बोलता हूँ, जितने भी कंट्री है बाहर के, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चीन हो, चाहे कोई भी हो, उनको सिर्फ सीखना चाहिए हमारी कला को, हमारे इंडिया की, हमारी कला को, हमारे इंडिया के जो प्यार है, जो मोहब्बत है, वो उनको सीखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, आज कॉलेज में मैं जज नहीं था, मैं आज गेस्ट बन के आया हूँ, लेकिन इस कॉलेज में मैंने देखा हूँ नंबर 1 परफॉर्मर है यहाँ पे, जो लड़का लड़की जो है डांस जो करता है, गाना गाते हैं, नंबर 1 सर। मैं खाली इतने बोलता हूँ, जो यहाँ से इस कॉलेज से बहुत लोग स्टार बना है, जैसा आज इतने बड़े समाज सेवक हमारे सामने खड़े हैं, ये भी इसी कॉलेज से बना है, तो ये कॉलेज नंबर 1 ये कॉलेज है। और सबसे बड़ी बात है, मंगेश जी जो है बहुत अच्छे समाज सेवक है मुंबई के, और एक अच्छा युवा नेता भी है। और मैं खाली इतनी बोलता हूँ चीन को और पाकिस्तान को, दिल से बोलता हूँ भाई, हमारे इंडिया की कला को और हमारे इंडिया के लोगों को एक बार सीख लो, जान लो और मोहब्बत सीख लो। तुम लोग जो कर रहे हो ना बॉर्डर में, ये भूल जाओ। और है ये इंडिया वाले का एक खाली एक ही बंदा बोल रहा है, अगर घुस जाएगा ना, ना तुम रहोगे ना तुम्हारा लोग रहेगा। खाली इतने में खाली बोलना चाहता हूँ पाकिस्तान को और चीन को खास करके सर। कल्याण जी, एक आखिरी सवाल, अभी आपने बहुत बड़ा अवार्ड शो किया, 2017 भी इतने को है, 2018 का आगमन होने वाला है, तो क्या ऑडियंस, फैंस, दोस्तों, अपने शुभचिंतकों के लिए क्या मैसेज है कल्याण जी जाना की तरफ से? जी मैं तो बहुत खुश होता हूँ, क्या बोल दे भाई, हाँ मैं इसलिए खुश होता हूँ भाई क्योंकि मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं सब 4 तक पढ़ा हूँ भाई, एक 4 तक पढ़ा हूँ बंगाल की धरती से। आज मैं मुंबई में आया तो सबसे पहले मुंबई की मिट्टी को और मुंबई के लोगों को मैं सलूट करता हूँ, जो एक बंगाली आदमी को मुंबई के लोगों के दिल में मैं बसा हूँ। और एक मैं जीरो से मैं बना हूँ हीरो, लोग ये बोलता है, सबसे पहले मैं मेरी फैंस को और मेरी ऑडियंस को, आज मेरा एक फैंस आया है सामने खड़ा है, वो मुझे 2 साल से मेरे को मेरा वीडियो देख रहा है, तो मेरे साथ आज आए हैं, तो ऐसे फैंस को मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जो मेरे चीज़ों को वो देखते हैं, मुझे दुआ देता है। मेरे डैडी मम्मी को मैं सलूट करता हूँ, मेरी मम्मी डैडी को, अंकिता जी को, तमाम फ्रेंड्स को, तमाम मेरे ऑडियंस को और तमाम मेरे जितने भी दोस्त हैं, क्योंकि उनकी वजह से मैं आज गरीबों का एक्टर कल्याण जी जाना बना। मेरा शो, जैसा आपने बोला, मेरा शो का नाम था दार्शनिक मुंबई प्रेस मीडिया अवार्ड, जो धूमधाम से अच्छा हुआ, लेकिन ये शो सिर्फ इसीलिए हुआ, आप सभी के वजह से हुआ। अभी मेरे शो आ रहा है अप्रैल एंडिंग में, जिसका नाम है छत्रपति शिवाजी गौरव अवार्ड। छत्रपति शिवाजी महाराज, मैं कान पकड़ के मैं उनका नाम लेता हूँ, शेर है, महाराष्ट्र का राजा है, महाराष्ट्र का संसा है, और एक हृदय सम्राट, हिंदू सम्राट है, तो उनके नाम से मैं एक शो कर रहा हूँ जिसका नाम है छत्रपति शिवाजी गौरव अवार्ड अप्रैल एंडिंग में। आप सभी को निमंत्रण है, प्लीज कम। माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस है,
बहुत मेहनत की थी सबने, यहाँ के जजेस थे जिन्होंने जज किया। ऑब्वियसली सबको तो रैंक नहीं मिल सकता है, लेकिन जिन्होंने परफॉर्मेंस किया है, जिनको रैंक मिला है, उनका फैबुलस परफॉर्मेंस था और सबका ही थैंक यू। मैं थैंक यू बोलता हूँ खबरें को इंडिया, खबरें इंडिया को शुक्रिया करता हूँ मैं, खबरें इंडिया को, मुंबई रफ्तार को, बॉलीवुड अड्डा को और बैकिंग खबरें को। ये चार जो चैनल है ये मेरा दिल में है और ये चार चैनल यहाँ पे आए हैं, इसलिए चार चैनलों को मालिक को, उनकी अध्यक्ष को, इन सभी को मैं सलूट करता हूँ। लव यू यहाँ के जनता, लव यू सिद्धार्थ कॉलेज, लव यू मीडिया और लव यू माई ब्रदर मंगेश कनौजिया। थैंक यू, लव यू एंड थैंक यू।